ये अभी समझ ही नहीं पा रहे हो कि काल, समय, स्थान, परिस्थिति इनके लिए नहीं जी रहे हो तुम। ये सब देह के साथ भस्म हो जाने हैं, ये बड़ी चीज नहीं होते हैं। जो कीमती चीज है वो क्या है? कारण ये है कि जिस क्षेत्र से तुम आ रहे हो ना, उसमें सारा जोर इन्हीं बातों पर है। क्या खाना है, क्या पीना है, कितने बजे उठना है, कितनी दूरी तक हाथ जाएगा, कितनी ऊंचाई तक पांव जाएगा, सारा जोर इन्हीं बातों पर है। भीतर का वहां कुछ है नहीं, तो आदत बन गई है इन्हीं बाहरी बातों को बार बार गौर करने की। और ये बाहरी बातें कीमती तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। पश्चिम पूरा इन्हीं बातों पर चलता है और इन्हीं बातों से बहुत सारी तरक्की भी मिली है उसको। वो जिसको चाहिए हो उसको वो मुबारक। वहां पर ट्रेन बिल्कुल समय से चलती है, और मैं कहता हूं ट्रेन समय से चलनी भी चाहिए। अगर ट्रेन ही तुम्हारे जीवन का केंद्र बिंदु है तो पहले पूछो कि यही बात मन में क्यों आ रही है। ये बात मन में इसीलिए आ रही है क्योंकि जो क्षेत्र तुमने चुना है उसमें इन्हीं बातों के लिए ही जगह है। वहां पर यही प्रश्न बार बार पूछा जाएगा कि वस्त्र सूखा है या गीला है। यहां खेल दूसरा चल रहा है, यहां दिल जीत रहे हैं। और जैसे ही मैंने कहा कि जरा कुछ गीले प्रश्न सामने लाइएगा, तो तुम समझ ही नहीं पाए कि मैं किस गीलेपन की बात कर रहा हूं। तुमने पूछ दिया हम यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ तो बारिश हो रही है। इससे तुम्हें तुम्हारे मन की अवस्था के बारे में पता चलेगा, मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ और तुम कहाँ से सुन रहे हो। जब मैं कह रहा हूँ कोई गीला सवाल पूछो, तो मैं तुम्हारे शर्ट की गीलेपन की बात कर रहा हूँ। पर छूटते ही सवाल पूछा, ये हम आए क्यों, 4 बजे सत्र शुरू होना था, 4:30 शुरू हुआ, फिर बारिश हो गई, कैसे याद है तुम्हें ये सब कुछ। ये सब कुछ याद भी कैसे है, क्योंकि दृष्टि को तुमने अभ्यास दे दिया है इन्हीं बातों पे टिके रहने का। चलिए अब ये करिए, अब ये करिए, अब ये करिए, अब ये करिए, हो गया। गलत जीवन जीने से और गलत पेशे में रहने से ये नतीजा निकलता है। अभ्यास ही वही लग जाता है। जाके पूछना किसी सूफी फकीर से, तू रात भर क्यों जगता है? रात को सोने के लिए होती है। तो तुम्हारे ऋषिकेश आया था, तो वहां एक सज्जन है जो कहीं विदेश से आए हैं, पश्चिम से आए हैं,
और उनके बारे में प्रसिद्ध है कि वो शाम को 6 बजे या 7 बजे बोलना शुरू करते हैं और ठीक 1 घंटे बोल के रुक जाते हैं। मुझे बात बताई गई 6-7 बजे बोलते हैं और ठीक 1 घंटे में रुक जाते हैं, इनका कर कैसे लेते हैं, कर कैसे लेते हैं? निश्चित रूप से पश्चिम बहुत गहरे तक घुसा हुआ है उनमें कि ट्रेन को अगर 4:06 पर पहुंचना है तो 4:06 पर पहुंच के रुक ही जाएगी। जब असली वाली बारिश होती है और भक्त भीगता है तो वो तो नहीं रुकेगा। अब 7:08, 8:09 कि 10:00 कि 12:00 वो तो नहीं रुकेगा। हाँ, तुम्हें तकलीफ हो जाएगी कि ये रात में 12:30 भी भजन क्यों चल रहा है, बड़ी तकलीफ उठेगी, 12:30, 1 बज गए भजन क्यों चल रहा है, हमारे गुरुओं ने तो बताया कि इतने बजे सो जाया करो अगर शरीर बनाना है योग कर करके, तो बड़ी तकलीफ हुई ना रात में। अरे नहीं, अनुशासन कहाँ था उसमें, तुम तो अनुशासन के खिलाड़ी हो। तो बड़ी ही गहर जिम्मेदारी की बात थी कि अब कबीर साहब हाथ में आए हैं तो धार रुक ही नहीं रही, 11:15 शुरू हुई और 12:45 तक चल रही है, तो बड़ी गलत बात हो गई। रिपोर्ट दर्ज कराई जाए पुलिस में, योग के खिलाफ जाती होगी। जहां से तुम आ रहे हो वहां अनुशासन का मतलब होता है नियम पर चलना, जहां हम खड़े हैं वहां अनुशासन का मतलब होता है आत्मा का शासन। हम आ रहे हैं वहां बुल्ले शाह गाते हैं, जिस कन लगया इश्क कमाल नाचे देसो ते बेताल। तुम्हारे यहाँ पे सुरताल का पूरा ख्याल रखा जाता है, वहां सुरताल ही है, खुदा का बंदा कोई मजे लेने के लिए नियम नहीं तोड़ता, उसके बस की नहीं है। दुनिया के नियमों से ज्यादा बड़ी कोई चीज उसको मिल गई है और वो कोशिश करे भी कितनी तो मजबूर हो जाता है, नियम टूट जाते हैं, क्या करे, पता है उसको आधी रात हो गई है, दुनिया के बाशिंदे सो रहे हैं, पर अब नहीं रुक रहा उसका गीत, वो गाएगा रात भर गाएगा। अनुशासन वालों को दिक्कत हो जाएगी, तो गलत काम कर रहा है, अपराध कर दिया। क्या करें, नजर कहाँ है, किसके हाथों बिके हुए हो, यही ठांग उठाओ। दुनिया में 2 लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा, मैंने देखा है कि पदार्थवादी हो जाते हैं, और ये मैंने वहां पे गौर किया था जब मैंने देखा कि 2 कोटि के लोग मुझे मिल रहे हैं जो मांसाहार की बड़ी वकालत करते हैं और खूब फैला रहे हैं वो मांसाहार। वो 2 कोटि के लोग थे, एक तो डॉक्टर और एक जिम ट्रेनर, जो मांस ना खाता हो उसे ये 2 लोग मांस खिला देंगे जरूर, एक डॉक्टर और दूसरा जिम ट्रेनर। तो दाढ़ी बढ़ा लेने से आध्यात्मिक नहीं हो जाता कोई, हो तुम भी जिम ट्रेनर ही, क्योंकि सारा जोर तुम्हारा शरीर पर ही है, ये करो वो करो। और डॉक्टर का और जिम ट्रेनर का खुदा की सल्तनत से कोई वास्ता नहीं होता, उसको तो एक ही चीज नजर आती है, क्या, शरीर। और इसीलिए ये दोनों लगे रहते हैं, चिकन सूप पीजिए, कितने ही लोगों से मिला हूं जो इसी बात को लेकर के परेशान है कि डॉक्टर जीन नहीं था, डॉक्टर के पास जब भी पहुंचो बीमारी है, अरे ठीक है रेड मीट नहीं खा सकते आप, व्हाइट मीट खाइए, पर खाए बिना कैसे चलेगा। मैंने जब डेयरी छोड़ी थी, दूध छोड़ा था,
डॉक्टरों ने परेशान कर दिया, बोले पागल हो गए क्या, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलानी चीज़ हो जाएगी, विटामिन B12 नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, डी नहीं मिलेगा, कैल्शियम नहीं मिलेगा। मैंने कहा तुम रुको, अब ऐसे ही तुम्हारी जमात है, टांग उठाओ, शरीर बनाओ, आत्मा का तुम्हें कुछ पता नहीं। जाके इस बारिश से पूछो, तुझमें अनुशासन क्यों नहीं है, कभी भी क्यों हो जाती है। जाकर बादलों से पूछो, तुम कहीं भी क्यों पहुंच जाते हो, नियम बांधा करो पहले। पेड़ से पूछो और पत्तों से पूछो, प्रेम नहीं पता तुमको है, वहां दिन रात का समय का स्थान का ख्याल नहीं रखा जाता। थोड़ी देर पहले हम साधारण प्रेमियों की बात कर रहे थे, साधारण प्रेमी भी कब ख्याल रख पाते हैं समय का और स्थान का, फिर दुनिया को बड़ी तकलीफ होती है। खैर इनको देखो, ट्रेन में चिपट गए, इनको देखो ये 20 सड़क पे खड़े होकर चूमने लग गए। साधारण लौकिक दैहिक प्रेम में भी तुम भूल जाते हो कि समय क्या है और जगह क्या है, भूल जाते हो ना, पर तुम तो नहीं भूल पा रहे, तुम्हें तो वही याद है, घूम रहा है दिमाग में। दिन से घूम रहा है, आज दिन से घूम रहा है, तो घूमेगा ही, क्योंकि यहां जो हो रहा है वो तुम्हारे समुदाय के बिल्कुल विपरीत है। तुम जिस कौम से आ रहे हो, यहां जो हो रहा है उससे बिल्कुल विपरीत काम है। अभी क्या बताया कि जब भीतर सब कुछ ठीक होता है तो बाहर अपने आप नूर आ जाता है। ये प्रोफेशनल योगा टीचर क्या कराते हैं, क्या ये बताते हैं कि जीवन सही रखो तो शरीर अपने आप सही हो जाएगा? उनके पास तो कोई भी आए उससे पूछेंगे थोड़ी कि तुम्हें घृणा कितनी है, ईर्ष्या कितनी है, द्वेष कितना है, राग कितना है, मोह कितना है, तो सीधे कहेंगे टांग उठाओ, हाथ बढ़ाओ, चलो लंबे हो जाओ, चलो सर के बल खड़े हो जाओ, बस अब तुम्हारा व्यक्तित्व चमक गया, बिल्कुल ठीक हो गए तुम। घातक है, प्राण घातक है, इसलिए मैंने योग की इन दुकानों का इतना विरोध किया है। जो वहां फंस गया वो वास्तविक योग से बहुत दूर हो जाएगा, जैसे तुम हो गए हो। बहुत अफसोस की बात है कि इस मौके पर तुमको ये याद आ गया कि बारिश हो रही है, समय की पाबंदी क्यों नहीं है। पागल है, किसी लड़की के साथ भी जाएगा ऐसी किसी जगह पे, बारिश होने लगेगी और ऐसा कमरा मिलेगा, तो तू ये बोलेगा कि बारिश हो रही है समय की पाबंदी रखनी थी पहले? जब पता नहीं कौन सा मौका किस लिए होता है। ऐसे ही लोगों में से कहेगा अनुशासन होना चाहिए था, ये वरदान है, ये भली बात है कि अनुशासन नहीं है, अनुशासन होता तो ये मौका कैसे मिलता, अनुशासन होता तो तुम नियम पे चलते, अनुशासन होता तो तुम्हारे साथ बस वही सब कुछ होता जिसकी तुमने योजना बनाई होती। अनुशासन का यही मतलब होता है ना, इतने बजे ये, इतने बजे ये, इतने बजे ये, इतने बजे, इतने बजे ये, जो योजना बना रहे हैं वही वही हो। तुम्हारी योजना में कभी ये मौका शामिल होता नहीं। तो भला हुआ कि बुरा हुआ? आचार्य जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा क्यों करा, पर तो जो भी कह रहा है वो क्यों कह रहा है। ये मौका इधर उधर का कुछ भी कहने का है ही नहीं। तुझे ये क्यों नहीं समझ में आ रहा कि ये मौका किस लिए है?
वो बत्ती ही नहीं जल रही ना, वो बात ही नहीं समझ में आ रही। पंजाब की धरती पे खड़ा है, यहाँ मस्त मलंग चलते हैं, पता समझता है मस्त मलंग होने का? नहीं समझ कभी, कैसे कभी किसी से मिल तो पता चले, पर तो फिर उसे अनुशासन सिखाएगा। तो उससे कहेगा बिल्कुल एकदम इतने बजे उठा कर, जैसे ऋषिकेश में सब अपनी वो योगा मैट लिए भगते हैं, तू भी भगा कर और 5:30 बजे बिल्कुल टांग ऊपर उठा दिया कर। किसी मलंग से ये बोल के देख, फिर पता चलेगा। काल काल सब कहें काल न जाने कोय, जेती मन की कल्पना काल कहावे सोए। मन उससे जुड़ ही नहीं पा रहा जो सदृश है, सामने है। मन कल्पनाओं में है इसीलिए काल का इतना ख्याल है। जेती मन की कल्पना काल कहावे सोए। मन कल्पनाओं में है, कल्पनाएं जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि उससे बच सको जिससे बचना चाहते हो। तो इसीलिए काल का ख्याल है। अध्यात्म एयरपोर्ट नहीं है कि लिखा रहेगा इतने बजे की फ्लाइट इतने बजे। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि जानबूझ करके समय तोड़ा जाए, जानबूझ करके समय का ख्याल न रखा जाए, पर जिस तल पर अभी ये शिविर है वहां ये चीजें होती हैं, होंगी, सदा से होंगी। और ये होती है इसीलिए है क्योंकि मन कहीं और होता है, मन समय के साथ होता नहीं, तो समय आगे पीछे अपना चलता रहता है। मन अगर समय के साथ लगा हुआ है तो मतलब ये कि मन संसार के साथ लगा हुआ है, समय संसार एक है। पर तुम्हें तो अपना बैच खत्म करके दूसरा शुरू करना है। 5:30 से 6:30 एक बैच, 6:30 से दूसरा बैच आ जाएगा, 6:30 पे तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। तुम्हारा योग तो समयबद्ध है, 6:30 पर खत्म ही हो जाता है क्योंकि 6:30 पर दूसरे ग्राहक खड़े हुए हैं। 6:35 हो गया तो कहेंगे पैसा लौटाओ, तो अनुशासन मजबूरी है तुम्हारी। आत्मा से निकल रहा है अनुशासन? नहीं, यहां से निकल रहा है। रिफंड ना देना पड़ जाए। आत्मा से जब अनुशासन निकलता है तो ध्यान से समझना क्या होगा, तुम समय का पालन नहीं करोगे, तुम समय के पार निकल जाओगे। अंतर साफ साफ जान लेना। कुछ लोग होते हैं जो संसार के भी नहीं होते, वो समय का पालन कर ही नहीं पाते। कुछ होते हैं जो संसार के होते हैं और समय का ही पालन करते हैं। और फिर वो होता है जो यहां हो रहा है, इसमें तुम समय के पार हो जाते हो।
वो अनुश्री आई हैं, वहाँ कार में बैठी हैं, उनकी यहाँ आने की हिम्मत नहीं हो रही, बताओ क्यों? अभी कल गाना नहीं था, तबीयत खराब थी, गला भी खराब था, मैंने कह दिया दो दोहे गा दो, दो दोहे दो घंटे बन गए, अब कल से बिल्कुल शायरी तल पर भुगत रही है। पर उन दो दोहों को दो घंटा बनना ही था, तुम नहीं रुक सकते, तुम नहीं कह सकते कि साहब नियम का पालन करिए, आपका अगर गला खराब है तो दो ही दोहे गाइएगा, कबीर साहब हैं, शुरू तुम करते हो, रुकेंगे कब इसका फैसला वो करते हैं, फिर तुम अपनी मर्जी से नहीं रुक सकते। अब वो वहां बाहर बैठे बैठे अकुला रही होंगी कि चल क्या रहा है वहां पर, तबीयत तो खराब है, देखना थोड़ी देर में फोन ऑन कर रहे होंगी, पता लगा रही है कहाँ है, चले हम भी पहुंचे, कुछ गाया वाया जाए। ये तो बज्म है, यहां बहुत नियम कायदे नहीं चलते, पर तुम तो बैच की ही भाषा बोलते हो। मेरी बात से यह आशा मत कर लेना कि नियम सब तोड़ने हैं जबरदस्ती। दुनिया में जब तक हो दुनिया के नियमों का पालन कर लो, ट्रेन तुम्हारे लिए नहीं रुकेगी, 4 बजे की है तो पहुंच जाना 4:45। पर ये ख्याल रखो कि कौन सी चीज किस तल की है, योग के शिक्षक बनो, फिटनेस ट्रेनर नहीं, जमीन आसमान का अंतर है। योग वो नहीं है जो तुम्हारे यहां की दुकानों में सिखाया जा रहा है, बहुत बहुत ऊंची बात है योग। और जो योगी हो गया वो मदहोश हो गया, फिर बावरा जोगी बोलते हैं उसको। कभी सुना है कि कोई जोगी है और बिल्कुल नियम कायदे में चलता है? रमता जोगी बहता पानी, वो तो रमण करता है इधर उधर, जो रमण कर रहा है उसको क्या पता दुनिया के कायदों का। जो सत्ता ये करवाती है ना, वो सत्ता समय और नियम का बहुत आदर नहीं करती। तो जहां ये हो रहा होगा वहां तुम ये निश्चित जानना कि समय की सीमाएं टूटेंगी। ये दोनों काम एक साथ चलेंगे, जहां ये है वहां समय जरा पीछे हो जाएगा, हटाओ ना समय को, क्योंकि दोनों एक ही बात है। जो सत्ता ये करवा रही है वही समय को फिर जरा पारिथिक बना देती है, गौण बना देती है कि इसका ख्याल मत करो। और अगर तुम समय का बहुत ख्याल करोगे तो फिर ये नहीं होगा, दोनों एक साथ चलते हैं। अकाल करवा रहा है ना ये, तो फिर काल को कितनी इज्जत दें? और अगर काल को बहुत इज्जत देने लग गए तो फिर ये अकाल वाला काम नहीं हो पाएगा। ये सदा होगा। और अध्यात्म में ये बड़ी बाधा होती है, जैसे ही कोई साधना में जरा आगे बढ़ता है
उसके पुराने बंधे बंधाए अनुशासित ढर्रे टूटने लगते हैं, और जब वो ढर्रे टूटने लगते हैं तो वो खुद भी घबराता है और उसके आसपास वाले भी घबरा जाते हैं। दूसरे ही घबरा रहे होते तो छोटी बात थी, वो स्वयं भी घबरा जाता है। वो कहता है पहले तो हम हर काम बिल्कुल तयशुदा तरीके से करते थे, लोग दाद देते थे हमारे नियमबद्ध अनुशासित जीवन की, अब हमें ये क्या हो गया है, कोई नियम पालने का मन नहीं करता। वो सारी बातें जिनके कारण हम प्रशंसनीय थे, प्रतिष्ठित थे, वो सारी बातें हमसे करी नहीं जाती, हो ही नहीं रही है। और जब वो ये सब देखता है तो फिर साधना के पथ से वापस मुड़ जाता है, छोड़ देता है, कहता है तो बड़ी गड़बड़ हो रही है, पहले जीवन में कम से कम एक बांध था, एक संयम था, वो सब टूट रहा है, संयम मर्यादा नैतिकता आचरण, यम नियम व्यवहार, ये तो सब टूट रहे हैं, अजीब। बहते पानी से जिंदगी हो रही है, जैसे भी पत्ता हवा में उड़ने लगा हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा अपना, बड़ा डर लगता है। और जब लोग ये देखते हैं तो पीछे हट जाते हैं, कहते हैं पहले ही हम भले थे, खान पान का ख्याल रखते थे, सेहत का ख्याल रखते थे, कपड़े लत्ते का ख्याल रखते थे, मान मर्यादा आचरण जिम्मेदारियां रिश्ते इनका ख्याल रखते थे, अब दिल ही नहीं करता, वो सब ख्याल रखने में ऊर्जा ही नहीं जाती, उस तरफ को ध्यान ही नहीं जाता, तो ऐसा लगता है जैसे जीवन का व्यक्तित्व का अवरोह होना शुरू हो गया हो। ऐसा लगता है कि जैसे अध्यात्म पर आगे बढ़ने के कारण जीवन का पतन होना शुरू हो गया हो। कुछ तुम्हें लगता है, कुछ अगल बगल वाले जता देते हैं, वो कहते हैं इससे भले तो तुम पहले ही थे, पहले ठीक समय से दुकान में आते थे, मोल भाव करते थे, अब आते हो दुकान में और नानक जैसी तुम्हारी हालत है कि तेरा 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 लुटाए दे रहे हो, पहले दफ्तर में तुम बड़े गंभीर और समर्पित कर्मचारी थे, अब देखो हालत अपनी, सामने पड़ी है फाइल और तुम गा रहे हो साधो रे मुर्दों का गांव। पहले खाने में जरा नमक तेज हो जाए तुम कहते थे हटाइए, अब नमक है कि नहीं है, ज्यादा है कम है, कुछ ख्याल ही नहीं करते, मिल गया तो खा लेते हो, नहीं मिला तो नहीं खाते, आगे बढ़ जाते हो, ये तो तुम्हारा ह्रास हो रहा है, ये तो तुम गिरते जा रहे हो और तुम्हें भी ऐसे ही लगता है हम गिरते जा रहे हैं, और फिर तुम भगते हो, कहते हो अरे बाप रे गड़बड़ हो गई, ताना मारा जाता है, वैसे ही बन जाओगे, देख रहे हो नंगा फकीर जा रहा है, फटा चोगा देखो उसका, 10 जगह से छेद है, ऐसे ही हो जाओगे तुम, इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है, फकीर हो जाएंगे किसी को और कोई गाली दो फिर कम बुरा लगेगा, फकीर बोल दो तो माफी ना करे तुम, और जो तुम्हारी पौध है, तुम्हारी जो नस्ल है, नई पीढ़ी, वहां किसी को फकर बोल दो चलता है, फकीर मत बोल दो, फकर तो नाश की बात है, दिस फकर दैट फकर, फकीर बोला FIR लिखूंगा।
ये अच्छे बच्चों का खेल नहीं है जो बीच से मांग काटते हैं, सुबह शाम गिलास में बोनवीटा लेके दूध पीते हैं, साफ निक्कर पहन के शाम को फुटबॉल खेलते हैं, 7 बजे वापस आ जाते हैं, होमवर्क करते हैं, खाना खाते हैं और ठीक 9 बजे सो जाते हैं। नहीं, ये अच्छे बच्चों का खेल नहीं है, अध्यात्म गंदे बच्चों की बात है, छिछी है मानो। इसीलिए जितने लोगों को अच्छा होने की बड़ी तलब रहती है वो अध्यात्म से दूर ही दूर रहे। यहां तो धूल में लौटना होता है। यहां तो अपनी ही कालिख से रूबरू होना होता है।